तो शाहिद साहब यकीनन बड़ी एक अफसोसनाक खबर है और जैसे कि शर्मिला बड़े जो है खुले अंदाज में बता रही हैं कि अगर हम उनके हेलीकॉप्टर गिरा देते, अगर ये एक ऑप्शन था भी हमारे पास, तो जो अमेरिका का रद्द अमल आता, जो नेटो का रद्द अमल आता, क्या वो हम बर्दाश्त कर सकते थे? क्या यही हमारी कमजोरियां हैं जिसका फायदा नेटो और अमेरिकन फोर्सेज उठाती हैं कि हमारे 24 जवान शहीद करने के बावजूद भी माफीनामा वहां से नहीं आता, सिर्फ कंडोलेंसेज आती हैं? देखें, बात यह है शहजाद के इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे नजदीक कमोबेश 4 करारदादे पास की जा चुकी हैं। 2008 में की थी, उसके बाद 2 मई का जो एबटाबाद का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक करारदाद पास की गई, उसके बाद जो एक बहुत सीरियस किस्म का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आपके ऊपर लॉन्च किया गया था ताकि आपको प्रेशराइज किया जाए हकानी ग्रुप के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए, उसके बाद APC के थ्रू एक और रेजोल्यूशन पास की गई। ये 4 रेजोल्यूशंस आपने पास की हैं 2008 से लेकर। आप बताइए कि इन 4 रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने में आपके साथ तक सीरियस रहे, सिवाय एक आखिरी के जिसके तहत आपने उनकी 15 दिन, आखिरी नहीं उससे पहले वाली, कि आपने 15 दिन उनकी जो है 15 दिन या कमोबेश इतने अरसे के लिए उनकी नेटो सप्लाईज को रोका, फिर उन्होंने माफीनामा पेश किया, आपने फिर से वो बहाल कर दी। बात यह है कि जो भी आपने ये करारदादें पेश की, माननी करारदादें पास की, उनके तहत अगर वाकई इम्प्लीमेंटेशन में हम सीरियस होते और उनको सही तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया होता और हमारे पास ऐसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते जिनका आज तक हमें पता ही नहीं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमारे और उनके दरमियान क्या हैं, सारे वर्बल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ, जिसके तहत हमें ये नहीं मालूम कि जो वायलेशंस हैं, जो ड्रोन्स वायलेशन करते आ रहे हैं साल हा साल से, और जिसके बारे में हमें ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जी ड्रोन जो हैं उनकी इजाजत नहीं है, वर्बली ये कह दिया जाता है कि अब आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें क्या मालूम। और उनकी तरफ से बाकायदा ये कई मरतबा कहा जा चुका है एट दी हाईएस्ट लेवल फ्रॉम दी अमेरिकन साइड कि जो ड्रोन्स हैं ये तो आपकी इजाजत से ये अटैक्स हम करते हैं। फिर आपने उनको एक बेस दे रखी है, आप बेस भी दे दें, ड्रोन्स जो हैं वो भी उनके अटैक्स भी जारी रहे। शाहिद साहब, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं अटैक्स हो जाएं, शाहिद साहब जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हमने बार बार जो है ज्वाइंट कभी हम सेशन बुलाते हैं पार्लियामेंट के, उसमें रेजोल्यूशन पास करते हैं, APC में रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये तो हमें सब मालूम है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? क्या जो रद्द अमल आएगा उसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद उससे हमें हम खौफ ज्यादा है, क्या ये रीजन है? और अगर ये रीजन है तो आप अगला सेशन भी बुला लें, अगले 50 सेशन बुला लें, उससे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमें हरगिज खौफ ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये गलत इंप्रेशन है, गलत तासर है जो हमारे जहनों पर कायम कर दिया गया है कि अगर हम किसी किस्म का रिएक्शन शो करेंगे तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें मुआशी पहलू लाया जाता है कि हम उनसे एड लेते हैं, उसके बगैर पाकिस्तान कैसे चलेगा? भाई ये पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान को चलाना है तो आप अपने हालात दुरुस्त करें। ये जो मुआशी हालात आपने अपने बनाए हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी थ्रेट है और जिसके बगैर आप कहते हैं कि हम कहां जाएंगे, ये आपका अपना जो है आपने खुद ये क्रिएट किया हुआ है। शाहिद लतीफ साहब, मुझे 2-3 सवाल आपसे बड़े अहम करने हैं। एक तो ये कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और उसके अलावा जब मैंने शुरू में आपको मुख्तलिफ रहनुमाओं की बातचीत सुनाई थी तो उसमें चौधरी निसार साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं कि अगर 2 घंटे तक फायरिंग होती रही और पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्होंने रابطہ भी किया नेटो के साथ कि ये फायरिंग हो रही है, इसके बावजूद वो शेलिंग नहीं रुकी और इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो क्या हमारे पास वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं थे, और अगर थे तो हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्या इशू हो सकता है? बात यह है कि हमारी कौम को हर बार ये कह के डरा धमका दिया जाता है कि हम एक सुपर पावर के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। कौन कह रहा है आपसे जंग करने को? क्या जंग और इस हद तक बुजदली का जो मुजाहरा है जो हम कर रहे हैं उसके दरमियान हमारे पास कोई रास्ता नहीं? यही अलमिया है कि हमें सही जो वाकयात हैं और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके बारे में यहाँ सही तरीके से डिबेट नहीं किया जाता। देखिए, टर्की को जब गल्फ वॉर चल रही थी उस वक्त उन्हें मजबूर किया गया कि वहां से उनको एयर पैसे चाहिए एलाइड फोर्सेस को, और टर्की ने जवाब दिया कि जी ये कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा। कैबिनेट ने 4-5 दिन डिस्कशन किया और उसके बाद मना कर दिया, हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते। आप बताइए टर्की के ऊपर क्या अटैक हो गया? क्या टर्की को जंग लड़नी पड़ी अपना लाहे अमल उनसे मनवाने के लिए? ऐसा नहीं होता। लेकिन शायद हम पर तो अटैक हो रहा है ना, हम तो इत्तेहादी हैं इस जंग में, फिर भी अटैक हो रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इत्तेहादी नहीं रहेंगे तो क्या 24 की जगह 48 जवान तो नहीं शहीद कर दिए जाएंगे हमारे?
ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये आपके 24 जवान इसीलिए शहीद हुए, इससे पहले चौकियों पे इसीलिए हमले हुए, उससे पहले अंगूर अड्डा का वाकया इसीलिए हुआ, उससे उसके बाद ये 2 मई का वाकया इसीलिए हुआ कि आपने आज तक दम खम नहीं दिखाया कि हम जो कहते हैं वो कर भी सकते हैं। देखिए आपके पास कितने हरबे हैं। हम कह रहे हैं जी हमारे पास कोई हरबा नहीं, ये मौशी जो हालत वाली बात है वो तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि ऐसा हरगिज नहीं है कि हमें अगर वहां से इमदाद नहीं मिलेगी तो खुदा ना खास्ता मुल्क नहीं चलेगा। हमें अपने अंदरून खाना अपने हालात ठीक करने होंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा, हमारा जो अपना बजट है उसके अंदर रह के हमें इस मुल्क को चलाना होगा। अब आ जाइए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या है। देखिए अब देखिए बॉन कॉन्फ्रेंस आ रही है, आप ये नहीं समझते कि बॉन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शमूलियत कितनी जरूरी है। इसके बगैर अफगानिस्तान का हल निकल ही नहीं सकता। और इस मामले में उनके मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं पिछले चंद दिनों से आपको विजिट कर चुकी हैं और वो कह रही हैं कि खुदारा वहां आइए और आपकी शमूलियत से हमारा मसला हल हो सकता है। बॉन कॉन्फ्रेंस के बाद आगे चलिए, उसके बाद आपके पास ये जो सप्लाई रोकने वाला मामला है, आप सीरियस हो के सिर्फ यही नहीं कि चंद कंटेनर रोकने चंद दिन के लिए उनके पास स्टॉक्स हैं, उसके बाद वो अपने स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। आप सी के अंदर जो शिपिंग है उसको रोकिए, वो जहां आके रुके हुए हैं देखिए कितने डैमरेजेस होते हैं, देखिए पूरी दुनिया में ये न्यूज कैसे फैलती है, दिस विल मेक हेडलाइंस इन द वर्ल्ड न्यूज, आप वो कीजिए। उसके ऊपर बहुत सारे मामलात और बहुत सारे जो है उनको तकलीफों का सामना होगा। तीसरी बात, ये जो शमसी एयरबेस के बारे में आपने आज से कई महीने पहले कहा कि जी शमसी एयरबेस उनसे ले रहे हैं, आपने शमसी एयरबेस नहीं ली और कह दिया कि हमने ले ली। फिर अमरीकनों का बयान आया कि शमसी एयरबेस हमने वापस नहीं की, वो इसलिए कि वो आपका उनके साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा हम सब चुप कर गए। आपने किसी मामले में संजीदगी से वो इकदाम नहीं उठाए जो आपको उठाने चाहिए थे, और अगर वाकई आप इकदाम उठाते तो ये हमारे पास सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपना दिफा भी कर सकते हैं और जिनकी मदद से हम उनको मजबूर कर सकते हैं कि आप हमें प्लीज डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, हम अपना दिफा करना जानते हैं और अफगानिस्तान में जो हमारी हैसियत है वो हम सबको मालूम है। देखिये बात यह है जी कि मैं बिल्कुल किसी एक अदारे को बरियो जुम्मा नहीं ठहरा रहा, ये सबका जो है उनका फर्ज है कि कौम को जो सही वाकयात हैं जो हकीकत है उससे रोशनास कराया जाए और उसके बारे में बताया जाए, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनका भी फर्ज बनता है। मगर बात यह है कि टॉप लेवल पे अल्टीमेटली जो पॉलिसीज हैं जी वो तो आपकी लीडरशिप ने ही डिसाइड करनी है। एक जमहूरी हुकूमत में आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं वो सबसर्वियंट हैं टू दी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। हाँ लेकिन एडवाइस तो वही लोग करते हैं ना जी। देखें सर गिलानी साहब तो जो है अपनी जगह पे नहीं होते ना, या फिर सदर साहब तो वहां पे मौके वारदात पे मौजूद नहीं थे, जो वो एडवाइस लेते हैं कि हमने जंग किस तरह लड़नी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो तो मिलिट्री लीडरशिप से ही लेंगे ना। आप एडवाइस दे दी पर फाइनल डिसीजन किसकी होगी? आप ये बताइए कि अगर आप एक मुल्क के साथ जंग करना चाहते हैं तो क्या वो आर्मी या मिलिट्री खुद डिसाइड करेगी कि हमने किसके साथ लड़ना है और किसके साथ नहीं लड़ना? आप इन ड्रोन अटैक्स को ले लीजिए, ये इसकी इजाजत किसने दी हुई है? अगर दी हुई है तो, और अमेरिकन्स ने ये पॉइंट आउट किया है, तो इसका फैसला किसने करना है? अगर ये जो सप्लाई लाइन जो है फौज ने इजाजत दी थी ना, ये फौज की फौज ने इजाजत अगर दी थी, सिविल गवर्नमेंट ने तो इजाजत दी थी, फौज ने इजाजत दी थी तो जब सिविल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था उसके बाद आपने पॉलिसीज रिव्यू क्यों नहीं की? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हम इनको ओन नहीं करते, मेरा ख्याल कि अभी तक आप नहीं, आप ये कह रहे हैं निकले हैं आप, आई एम सॉरी, आप ये कह रहे हैं हम उन पॉलिसीज को ओन नहीं करते, हम उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ रखते हैं, वो गलत पॉलिसीज थी, वो वन मैन शो था। 3.5 साल में आपने कौन सी पॉलिसीज रिव्यू की? क्या ड्रोन अटैक्स में कमी आई या ज्यादती हुई? अच्छा मुझे क्विकली ये बता दें शाहिद साहब, क्या जो आपके पास अटैक्स के उनमें कमी आई या ज्यादती हुई? आपके आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपके पास हमारे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इस तरह के चेक पोस्ट पर मौजूद होती है? क्या उसको नेटो हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना किया गया है? जी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अटैक हुआ है ये इतना भी जो है इस पे भाम नहीं है जितना अभी तक शो किया जा रहा है। जहां तक मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक, और आप भी ये जानते हैं कि ये जो दोनों सिक्योरिटी पोस्ट्स हैं इनको क्रिएट किया गया था ताकि जो अक्रॉस द बॉर्डर कुन्नड़ का इलाका है वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। ये जो TTP हैं इनके लोग वहां से इन्फिल्ट्रेट करते थे हमारे एरिया के अंदर, लिहाजा उसको चेक करने के लिए आपने ये दोनों सिक्योरिटी पोस्ट जो है इनको क्रिएट किया, वहां इनको कायम किया गया। अब ये बताइए कि ये जो सिक्योरिटी पोस्ट थी ये किसको तंग कर रही थी?
लाजमी चीज है, वहां जो एंटर हो रहे थे उन्हीं को तंग कर रही थी ना, या उस एंट्री को जो पीछे से बैक करना चाह रहे थे ये उन्हीं को तंग कर रही थी ना। अच्छा, अब उस दिन भी जो वाकया हुआ है, जो अभी तक मेरी इतलात है, ऑब्वियसली ये इंक्वायरी के थ्रू हम तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक वहां से एक एंट्री की कोशिश की जा रही थी और वो जो एंटर होना चाह रहे थे उसको हमारी सिक्योरिटी चेक पोस्ट ने चैलेंज किया और चैलेंज करके उनके ऊपर बाकायदा उनको रोका गया। और जब उनको रोका गया तो उन्होंने एक एसओएस मैसेज किया कि हम इस वक्त ट्रैप हो चुके हैं, लिहाजा हमारे लिए एयर सपोर्ट का इंतजाम किया जाए। लिहाजा एयर सपोर्ट का इंतजाम हुआ, वहां से हेलीकॉप्टर्स आए, पोस्ट हैं, ये हमारी वीपीज हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स इनको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और इसके इर्द गिर्द अपने डिफेंसेज होने चाहिए थे। क्या वो डिफेंसेज थे, और अगर वो थे क्या उन्होंने फायर किया, और इसके अलावा एयर सपोर्ट भी अगर चाहिए इन्वेस्टिगेट होना चाहिए।